नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पद अब बढ़ने वाला है, यानी वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार की कुर्सी कौन संभालेगा, इस बात को लेकर बिहार में लगातार चर्चा थी। लेकिन बिहार की कुर्सी संभालने के लिए एक व्यक्ति का नाम फाइनल हो गया है, और ये फाइनल लगातार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको पता होगा, लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल और पीएम कैंडिडेट की घोषणा को लेकर बिहार में चर्चाएं छिड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से जब ये चर्चा छिड़ी तो बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई भी देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। सीधे तौर पर कहा कि कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि जेडीयू के नेताओं ने जो दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है और इस तरीके का कोई पद नहीं होता है। पिछले दिनों आपने सुना था कि संजय जायसवाल ने कहा था कि पीएम मटेरियल सबको ही हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री सबको ही नहीं हो सकता है। इस बात का जिक्र उन्होंने नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर किया था जो उनके पार्टी के नेताओं ने बयान दिया था। ये बयान तब शुरू हुआ जब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को रखा, और उसके पहले दिल्ली में बैठक हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा था, ललन सिंह अध्यक्ष बनाए गए थे। अब एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज हो चली है कि कौन प्रधानमंत्री के लिए आगे आएगा। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का पद भी खाली हो रहा है, तो उसके लिए कौन आगे आएगा? आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में बड़ा सा पोस्टर लगा था, बिहार के भावी मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत है। आपको पता होगा उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर है, लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने बिगुल फूंक दिया है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस बात को तय माना जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ही बिहार के मुख्यमंत्री को चुनती है वैसी स्थिति में। लेकिन जदयू के कई नेताओं ने यह दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन प्रधानमंत्री बनता है देश में। आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा, जदयू की तरफ से ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन अभी तो जदयू की तरफ से ही स्टे लगा दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के राजनीति, चाहे देश के राजनीति से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर अनेकों कैंडिडेट उभर कर सामने आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।